अब हम बात करेंगे कि बिगेस्ट फैक्टर सेल्स ग्रोथ नहीं होता है, उसके पीछे के सबसे ज्यादा रीजन क्या निकल कर आता है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स है कि जिस फैक्टर के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं और जिसके कारण हमारा जो सेल्स जो है वो बढ़ता नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ मिथ्स हमने बना लिए हैं हमारे, किस इसको लेकर, मार्केटिंग को लेकर। और ये बातें आपके आजू बाजू होती है बहुत सारे लोगों के बीच में कि सेल्स और मार्केटिंग जो है ना वो तो यार सेम है, सेल्स मतलब मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब सेल्स। और ये हमने बहुत सारी कंपनियों के अंदर जाकर ऑनर को क्लियर करवाया है कि सर आपके वहां काम करने वाला बंदा सर कौन से डिपार्टमेंट में है, वो बोलता है यही बंदा मेरा सेल्स वाला है और यही बंदा मेरा मार्केटिंग वाला है। तो हम कंफ्यूज होते हैं कि इससे मार्केटिंग का काम करवाए या सेल्स का काम करवाए, क्योंकि वो लोग क्या समझते हैं दोनों सेम है, लेकिन एक्चुअल में दोनों सेम नहीं है। दूसरी चीज ये होती है हम क्या हो जाते हैं, सीजनल। मतलब बहुत सारे लोग मार्केट में तब आते हैं जब सीजन आता है और फिर पूरे साल के लिए मार्केट में से चले जाते हैं, जब तक सीजन दोबारा दिखाई ना दे वो मार्केट में दिखते ही नहीं है। तो मेरा कहने का पर्पस ये है, अगर 365 दिन अगर हम खाना खाते हैं, कपड़े पहनते हैं, सब कुछ एक्टिविटी अगर हम रोज करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो मार्केटिंग की एक्टिविटी 365 दिन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वो भी तो 365 दिन होने वाली एक्टिविटी है। लेकिन होता यह है जब दीपावली आ जाए या जब सीजन आ जाए जिस पर्सन का, तब हम एक्टिव हो जाते हैं और फिर डिसएक्टिव हो जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। फिर कई लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई बजट ही नहीं है, सब कुछ पता है करना जरूरी है, ये है वो है, बजट ही नहीं। फिर हम उनका एनालिसिस करते हैं कि सर आप थोड़ा बैलेंस शीट देकर हमें बताइए आपका पैसा आप लगा कहाँ रहे हो, तो पता ये चल जाता है कि सर ने जो है वो घर ले लिया है, सर ने जो है वो कार ले ली है, सर ने जो है वो फॉरेन ट्रिप कर ली है, और सर अभी नया घर का प्लानिंग भी कर रहे हैं। और फिर हम पूछते हैं कि सर रिनोवेशन करना था अपनी शॉप का, क्या हुआ? बोलो सर उसके लिए अभी लोन लेनी पड़ेगी, बजट नहीं। और कई लोग इतना ज्यादा कैलकुलेटिवली करना शुरू कर देते हैं कि बजट न बिल्ड करने के कारण वो ये भूल जाते हैं, उनका हाथ जो है वो सीधा यहां आ जाता है और वो क्या सोचते हैं, यहां से पैसा मुझे बाहर निकालना नहीं है, क्योंकि बजट की बात आती है। तो ये भूल जाते हैं कि हाथ जब आप यहां पर रखते हो ना, तो पैसा निकालने वाली बात तो हो गई नहीं, लेकिन पैसा जाने वाली बात भी बंद हो जाएगी, आएगा भी नहीं। तो बजट होना बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज का। फिर होता है कि हम कोई भी चीज के अंदर हमारे काम करने वाले जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनको एक्शन में नहीं लेकर आते। मतलब जो सिस्टम एक बार बन गई, जो प्रोसेस एक बार डेवलप हो गई, जिस तरीके से हमने काम करना शुरू कर दिया, अब पूरी जिंदगी उसी तरीके से काम होता जा रहा है, कोई चेंजेस नहीं, कोई बदलाव नहीं, सेम पैटर्न। फिर कई बार हमें यह लगता है कि वी डोंट वैल्यू, हमारी वैल्यू नहीं हो रही है मार्केटिंग को लेकर, या वैल्यू ऑफ रिटर्न हमें नहीं मिल रहा है, तो हमें ये चीजों को करने की आवश्यकता नहीं है। और ये सारे रीजन जो है वो बेसिकली मैंने आप लोगों को बताया, ऐसे बहुत सारे चीज आप लोगों के माइंड के अंदर बैठी हुई है जिसको आपको बाहर निकालना जरूरी है। क्योंकि कई जगह हम कंसल्टिंग करते हैं, कंसल्टिंग प्रोसेस में जब हम किसी के साथ बैठते हैं और हम उनको ये बोलते हैं कि सर आप मार्केटिंग का बजट क्यों नहीं प्लान करते, तो वो ये हमें बताते हैं कि सर आज तक हमें ये पता ही नहीं है कि मार्केटिंग का बजट बनाया कैसे जाए, ये आउट ऑफ द चैप्टर की बात हो रही है। क्योंकि अभी तक हमने बजटिंग का प्लानिंग कभी किया ही नहीं। अभी फरवरी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ मार्च आने वाला है, कितने लोग APM करने वाले हैं अपनी कंपनी का? अब APM क्या है? बहुत बढ़िया, APM का मतलब ही यह है एनुअल प्लान मीट। यह हर कंपनी के अंदर होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए, घर वाले हो तब भी होना चाहिए, बाहर वाले हो तब भी होना चाहिए। APM का मतलब यह होता है एनुअल प्लान मीट, पूरे साल आपने क्या किया उसको ऑन पेपर लाना है, क्या गलतियां हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, वो ऑन पेपर लेकर आना है। अब नेक्स्ट ईयर हम क्या करने वाले हैं उसका पूरा प्लानिंग होना चाहिए। और ये 3 दिन की एक्टिविटी होती है, एक दिन पूरा डेटा एनालिसिस होता है, दूसरे दिन अवार्ड रिवॉर्ड सब लोगों को दिए जाते हैं, और तीसरा दिन एंजॉयमेंट किया जाता है, रिफ्रेशमेंट हुआ जाता है। और ये 3 दिन की एक्टिविटी करने से आपका पूरा साल बेहतर जाता है। हम पिछले 7 साल से कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा इसका रिटर्न हमें मिला है, आपको भी करना चाहिए अगर आप नहीं कर रहे। यहां पर बजटिंग की बातें होती है, हर डिपार्टमेंट का प्लानिंग होता है। नो मार्केटिंग इज इक्वल टू नो सेल्स। मार्केटिंग ही नहीं होगा तो भूल जाना कि सेल्स होगा, और अगर हो रहा है तो भगवान की बहुत ही अच्छी कृपा है आपके पास कि हो रहा है, बराबर। तो इसको हमें ध्यान में लेकर चलना है, मार्केटिंग तो कंपलसरी करना पड़ेगा।
अब बात आता है कि मार्केटिंग किया कैसे जाए, उसका तरीका क्या है, किस तरीके से मार्केटिंग को करना होता है और मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या क्या मार्केटिंग के अंदर आता है, अब उसके अंदर हम डिटेल में बात करेंगे। तो मार्केटिंग सबसे पहले मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आपके हिसाब से क्या है? यस सर, अवेयरनेस फैलाना। कितने लोग मूवी देखते हैं या मूवी देखने जाते हैं? कितने लोगों को पता है एक मूवी कितने में बनती है, मिनिमम मैक्सिमम? 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 50 करोड़ तक एवरेज बन जाती है। कितने महीने में बनती है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो 6 महीना, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया तो 7। बराबर। अब कितने लोगों को पता है मूवी को प्रमोट करने का उनका बजट क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर भी फाइनेंस लगता है और जितने भी लोग होते हैं वो मूवी के अंदर फाइनेंस करते हैं और बहुत सारे लोग अपना ब्रांडिंग वहाँ पर करते हैं और मूवी देखने के टाइम पर आपको दिखता भी है, ये इनके पार्टनर है। तो आप लोगों को बता दूं, मूवी अगर 10 करोड़ की अगर बन रही है तो उसके पीछे का उसका मार्केटिंग का बजट 50 करोड़ का होता है, और इसी के कारण 10 करोड़ की मूवी जब अर्न करती है तो वो 100 करोड़ कमाती है। ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया। अब आपको समझना है कि आपकी प्रोडक्ट कितने की बन रही है, उसके पीछे आपको कितना कॉस्टिंग लग रहा है और उसको मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए आपके पास बजट कितना है। अगर वो बजट तक अगर हम नहीं पहुंच रहे हैं या वो मार्केटिंग अगर हम नहीं कर रहे हैं, मतलब आपके पास चीजें अच्छी है लेकिन वो आप तक ही है, मार्केट को पता ही नहीं, और जिनको पता नहीं है फिर वो कभी सेल नहीं होगा। दिखेगा। तो आज हम स्ट्रेटजी के ऊपर जाएंगे और स्ट्रेटजी के ऊपर कुछ चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग करने से पहले 4 चीजों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा आवश्यक है। सबसे पहला है उसके अंदर प्रोडक्ट। आपको पूरी तरीके से अपने प्रोडक्ट का एनालिसिस करके उसको रेडी करना जरूरी है कि मार्केट में जब आप लॉन्च करो और प्रोडक्ट के अंदर बाद में अगर कोई डिफॉल्ट आ जाए या बाद में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आपको पूरा मार्केटिंग जो है वो नेगेटिव चला जाएगा। हाँ बतावे तो आटलो मोटो मोटो है, प्रोडक्ट मतलब लेवानू नहीं, ऐसी बातें होती है मार्केट में, खुदा पहाड़ निकला, ऐसी बातें होती है मार्केट में। दूसरी चीज हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कस्टमर्स। आप चाहकर भी सबको एंटरटेन नहीं कर सकते हो, और बहुत सारे लोगों का ये मिथ है मेरे सारे कस्टमर है, 150 करोड़ की आबादी है इंडिया में, सब मेरे कस्टमर है, तो ये भूल जाओ। आपको अपना सेक्टर चूज करना पड़ेगा कि आप किसको एंटरटेन करोगे, उस तक आपको अपना मैसेज पहुंचाना है। फिर थर्ड चीज है यहां पर आनी जरूरी है कि क्या मैसेज आपका रहेगा, क्या मैसेज आप डिलीवर करना चाहते हो जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी। सब लोगों के दिमाग के ऊपर एक नाम छप गया, आ गया, तो क्या ऐसा मैसेज है जो मार्केट के अंदर आपकी प्रोडक्ट को लेकर आप देना चाहते हो। गुरुकुल का मैसेज ये रहता है, सर आप ट्रेनिंग कहीं से भी ले लो, कंसल्टिंग अगर लेने की बारी आएगी तो गुरुकुल वहां पर खड़ा होगा, क्योंकि कंसल्टिंग हमारी एक्सपर्टाइज है, वो हमारा मैसेज है कि हम इंप्लीमेंटेशन करवाने में लोगों को सहायता करते हैं, हमारा USP है। आपका क्या है, कौन सा मैसेज आप मार्केट को दे रहे हो? और उसके बाद आता है मीडिया, कौन से माध्यम से आप दे रहे हो, क्योंकि B2B भी होता है, B2C भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है, डिजिटल भी हम कर सकते हैं, फिजिकल भी हम कर सकते हैं, और बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन आप कौन सा माध्यम चूज करोगे। आपको जाना दिल्ली है तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि कब जाना है और कितना इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से आप व्हीकल चूज करोगे कि बाय कार जाए, बाय ट्रेन जाए या बाय प्लेन जाए। तो वो चीज़ बहुत क्लियर है कि कौन से माध्यम से आप लोगों तक पहुंचोगे।